वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम विंडोज़ के कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज आप मैंने पिछले 2-3 दिन से नोट किया है दैट यू पीपल हैव स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियोज़ प्रॉपरली, एंड आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे होंगे, राइट? तो अब जो हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज़, उस पे आने से पहले लेट मी आंसर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एक प्रेजेंटेशन में, जब हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में कर रहे थे, कि जो हमारा एंटीवायरस है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। इज इट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज इट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर आता है, ठीक है? सो सम ऑफ यू आंसर्ड द क्वेश्चन, बट आई थिंक आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया नेट पे, एंड विदाउट चेकिंग आपने सिर्फ गेस किया। नो डाउट आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग चीट करो किसी चीज़ पे, लेकिन अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उसका आंसर समझ के नेट से फिर मुझे आंसर करते हो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट, क्योंकि द बेसिक पर्पस इज कि आप लोग समझ पाओ चीज़ को, ठीक है? तो आगे से बिफोर आंसरिंग आप चेक कर सकते हो कि क्या है जो भी मैं पूछता हूँ और क्यों है, राइट? उसके बाद आंसर कर सकते हो देखने के बाद भी। सो कमिंग टू द आंसर, इट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई शो यू, विल सर्च टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन गूगल, राइट? एंड ये हमारे पास जो फर्स्ट या सेकेंड लिंक खोल लेते हैं, राइट? एंड व्हेन यू ओपन दिस लिंक यू विल सी ये सॉफ्टवेयर आ गए, हमने कर लिया था, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू कैट टाइप्स, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, डिवाइस, ड्राइवर, फर्मवेयर। इसमें एक कैटेगरी आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें सिस्टम को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? सो जो एंटीवायरस है दैट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और उसके अलावा हम एक दो टूल्स जो आज करने वाले हैं, दैट इज डिस्क क्लीनअप एंड मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है, डिफ्रैगमेंटर्स, ये आज वाली हम इसमें प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो ऑल दीज कम अंडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? एंड जो ड्राइवर्स हैं वो आप सबको पता ही है, हर एक जो भी कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर अटैच होता है उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं, वो इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं, जिनके बिना नहीं चलता आपका वो पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो ड्राइवर्स हैं, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? सो आई होप कि ये आंसर क्लियर है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज, एज यू ऑल नो, आई हैव क्रिएटेड दिस साइट द गाइडर्स एजे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। What I have done is I have started a small campaign, you know, उसमें क्या है, small contest कह लो कि you have to log in to this website, यहाँ से log in करके आप account create कर सकते हो। log in करने के बाद I have created this blog, और एक बच्चे का comment आया है, I am very happy with the students, क्योंकि कई बच्चे हैं जो regularly सारी बातें सुनते और करते हैं, you know, सुन के खुशी होती है कि that somebody is फॉलोइंग यू प्रॉपरली, है ना? तो मैंने ये ब्लॉग क्रिएट किया है, इसमें क्या है, यू नो, हम सब आजकल फ्री हैं घर पे, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू एंड कि हम घर पे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आई ऑल्सो वांटेड कि आप लोग भी मुझे बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है? यू नो, मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना, आप लोगों से सजेशंस लेना हमेशा अच्छा लगता है। मैंने क्लास में भी आपको बहुत बारी कहा है दैट टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस, उसमें आपसे हम भी सीखते हैं और हम आपको सिखाते भी हैं, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप लोग अपने, अब मैं तो काफ़ी टाइम से बता रहा था आपको वीडियोज के थ्रू सब कुछ, लेकिन आप लोगों से बात प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉग। इस पर आप लोग मुझे लिख के बताएंगे कि आप लोग इन छुट्टियों में, इन जो लॉकडाउन के दौरान आप लोग बैठे घर पर क्या कर रहे हो, एंड आपने कोई टारगेट रखा है कि मैं इस टाइम में ये चीज़ अचीव करूँगा, आपने ये वाले स्किल को इम्प्रूव करूँगा, अगर रखा है तो वो क्या टारगेट है, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अब आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है। सो
Stay tuned. Okay, so we are back again. तो जो टॉपिक अब हम करने वाले हैं विंडोज टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें मैं कुछ आपको विंडोज के फीचर्स बताऊंगा, ठीक है, जो आपको बहुत काम आने वाले हैं. अर्लियर ऑल्सो वी डिड कंट्रोल पैनल, राइट, एंड कंट्रोल पैनल में जब आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है. इसमें एक ऑप्शन है प्रोग्राम एंड फीचर, जैसे कि मैंने बताया था, इससे आप अपने प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं उनको ऐड या रिमूव कर सकते हो, ठीक है, जो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो, राइट. और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, दैट इज़ योर डिवाइस मैनेजर, राइट. इस जगह को आप खोलोगे तो इसमें आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, जो भी हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, वो सारी उसके डिस्क्रिप्शन दिखाने लग जाएगा, ठीक है, कि आपके पास कौन से वाला हेडफोन है, कौन से वाला ऑडियो डिवाइसेस हैं, और कौन सी वाली डिस्क लगी हुई है, ह्यूमन इंटरफेस कौन सा है, एंड कीबोर्ड कौन सा है, मतलब ये सारी चीज़ें वो शो करने लग जाएगा आपको आपके इसके अंदर, डिवाइस मैनेजर के अंदर. अगर आपको किसी चीज़ के आगे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है जैसे, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर चीज़ का ड्राइवर मिसिंग है. तो ड्राइवर मिसिंग है तो इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी. अगर आप इस चीज़ को चलाना चाहते हो तो आपको इसको राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, और इसका सॉफ्ट अपडेट लगाना पड़ेगा. उसके बिना ये पर्टिकुलर डिवाइस काम नहीं करेगी. अगर करेगी भी तो बेसिक फंक्शनैलिटी करेगी, पूरी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है. तो इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हो, कंप्यूटर बनाते हो या लेते हो, तो आप यहाँ से आके इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ले सकते हो कि क्या क्या है इसमें लगा हुआ, और जो चीज़ अनइंस्टॉल्ड है या जो जिसके ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल्ड हैं उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है. ये तो हुआ डिवाइस मैनेजर. उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर कमिंग टू द माई कंप्यूटर. ये मैंने माई कंप्यूटर खोला, ठीक है. आप यहाँ पे आओगे, नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे कंप्यूटर की ना काफ़ी देर बाद जब हम यूज़ करते रहते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग करने लग टाइम लेने लग जाता है. तो उसके लिए विंडोज़ के अंदर वो नॉर्मली होता क्यों है कि कई बार हमारे पास जंक फाइल्स बहुत इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो या हो सकता है कि बार बार फाइल्स ऐड या डिलीट करने से वो फाइल स्प्लिट बहुत दूर दूर हो गई, ठीक है. तो इसलिए विंडोज़ के अंदर हमें दो फीचर्स दिए गए हैं. यहाँ से अगर आप ड्राइव पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहली ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप. आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कैलकुलेट करेगा कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी फालतू की फाइल्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे या जो आपके काम की नहीं है, ठीक है ना. कई बार टेम्प्रेरी फाइल्स कोई डाउनलोड हो जाती हैं, कभी लॉग फाइल्स बन जाती हैं, किसी भी तरह की फाइल्स जो हैं जो हमारे काम की नहीं है वो इसमें कैलकुलेट करेगा, एंड कैलकुलेट करने के बाद हमें बता देगा कि इतनी फाइल्स, इतनी मेमोरी हमारी इस चीज़ में वेस्ट हो रही है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. अब ये काफ़ी टाइम ले रहा है, सो बाय द टाइम ये चलता है उतनी देर हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, एक और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, राइट. वो ऑप्शन है विंडोज़ एक्शन सेंटर, ठीक है. इसमें विंडोज़ अपडेट होता है, राइट. अगर आप विंडोज़ अपडेट में जाओ तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ये अपडेट रखना पड़ता है. इसको अपडेट रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी वायरस अटैक्स वगैरह से आपका बचा रहता है, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको अलग अलग तरह के पैचेस वगैरह देता रहता है. अभी ये मेरी इंस्टॉल होने वाली है, अपडेट अभी हुई नहीं, नो डाउट आई विल डू इट टूडे, ठीक है. इस तरह से आपको ये करना पड़ता है, मतलब करना चाहिए अपने सिस्टम को अच्छी हेल्थ में रखने के लिए. उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज इट इज MS config. MS config. सॉरी क्लिक हो गया कहीं उल्टा सीधा.
इट्स नॉट टाइपिंग, अभी करता हूँ। एमएस कॉन्फिग, एमएस कॉन्फिग जो है, इसको अगर आप सर्च करके खोलते हो, नॉर्मली इसको जल्दी जल्दी आपको छेड़ना नहीं चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपको कोई बहुत दिक्कत आ रही है सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया आपका, ये डिस्क क्लीन अप वगैरह करने से नहीं चला आपका काम, ठीक है, तो उसका रीज़न कई बार ये हो सकता है कि आपके स्टार्टअप में बूटिंग टाइम या स्टार्टअप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल काम की नहीं है, वो सर्विसेज ऐसे चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। टास्क मैनेजर के अंदर आप जाके देख सकते हो ये सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आप चाहो तो जो भी आपकी सर्विस आपके काम की नहीं है, राइट, आप उसको सिलेक्ट करके डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे बहुत इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज हो सकता है कोई चीज़ें हों आपके काम की, कई प्रोसेसेस आपके काम के हों, लेकिन आपको ना पता हो कि कौन से प्रोसेस आपके काम के हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ से देखिए, जो भी आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपके सीपीयू का ज़्यादा वेस्ट कर रही है, सीपीयू का टाइम ज़्यादा ले रही है, तो उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अब उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से भी जो आपकी स्टार्टअप के टाइम सर्विसेज हैं उनको स्टॉप कर सकते हो, जो ऑलरेडी रनिंग सर्विसेज हैं आप उसको यहाँ से भी रन कर सक ये स्टॉप कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो भी आपके सिस्टम की स्पीड को बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। देन मतलब ये हो गए हमारे एमएस कॉन्फिग, और डिस्क क्लीन अप में बहुत टाइम ले रहा है, तो मे बी वी विल डू इट सम अदर डे। अभी मैं आपको बता दूंगा, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो ये पूरा एनालाइज करके आपको एक लिस्ट दे देगा कि आपकी कैश के अंदर इतनी फाइल्स हैं, आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स इतनी है, आपके सिस्टम डंप फाइल्स इतनी है, आपके बैकअप फाइल्स इतनी है, ऐसे करके आपको पूरी लिस्ट दे देगा वो, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें लगती है कि आपके काम की नहीं है, आप उन पर क्लिक करके उनको सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद ओके क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक और टूल है ये, दिस इज नोन एज डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ऑप्टिमाइज एंड डीफ्रेगमेंट की ऑप्शन है। होता क्या है, जब आप बार बार कभी फाइल्स लगाते हो सिस्टम में, कोई कोई हटा दी, कोई हटा लगा दी, उससे क्या होता है कि फाइल्स हार्ड डिस्क के अंदर बहुत दूर दूर स्प्रेड हो जाती हैं, और अगर कंप्यूटर को कोई चीज़ सर्च करनी पड़ती है उसको एक ही फाइल के लिए काफ़ी दूर दूर तक घूमना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ होती है, डिफ्रैगमेंट। आपको अपनी डिवाइस को ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है, राइट। ऑप्टिमाइज पे क्लिक करने के बाद आई जस्ट शो यू कि क्या होगा। यहाँ पे वो शो करेगा कि आपकी डिवाइस की कितनी फ्रेगमेंटेड है। अगर तो नॉर्मली 5% से कम है, जैसे मेरी 4% है, दैट मीन्स कि ओके है, ज़्यादा बिखरी नहीं हुई फाइल आपकी, ठीक है। हार्ड डिस्क पे एक साइड को ज़्यादा है, मतलब है ज़्यादा दूर दूर नहीं पड़ी। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद ये ऐसे एनालाइज करके आपको बता देगा कितनी फ्रेगमेंटेशन हो रखी है फाइल्स की, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा एनालाइज करके बता देगा, फिर यहाँ पे आएगी ऑप्शन। अब ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा एनालाइज, एक सेकेंड में बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट फॉर वन और 2 मिनट्स। ये अभी एनालाइज करके आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी ये 5% फ्रेगमेंटेड हैं फाइल्स। तो आप इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करने के बाद ये पूरा प्रोसेस रन करेगा ऑप्टिमाइजेशन का, और ये सारी डिफ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें कम फ्रेगमेंटेड है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, नॉर्मली इसको टाइम काफ़ी लग जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, पहले एनालाइज करेगा, फिर फाइल को उठा के इधर उधर करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो वी विल नॉट डू इट ओवर हेयर, लेकिन हाँ आप ये करके देख सकते हो, उससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, और सी अब आज के लिए इतना ही बहुत है। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में मैं डालूंगा, उसमें हम विंडोज उसमें हम एक्सेल से रिलेटेड बहुत अच्छे 2 टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।